नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसआर लर्निंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों दरअसल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये है कि अलग अलग कंप्यूटर की अलग अलग पीढ़ियाँ हुई उनके विकास के अनुसार। मतलब पहले जो कंप्यूटर थे, सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था उसमें कुछ सुधार करते हुए धीरे धीरे इनके सुधार को बढ़ाते गए और धीरे धीरे ये विकास आज की जो लेटेस्ट जनरेशन के जितने भी हम कंप्यूटर देखते हैं वहाँ तक आ पहुँचा है। तो मतलब इनको डिवाइडेड किया गया पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब अलग अलग टाइमलाइन दी गई अलग अलग पीढ़ियों को कि इस पीढ़ी में कौन सा निर्माण हुआ था, इस पीढ़ी में कौन सा नया विकास हुआ था। तो इस प्रकार से 5 पीढ़ियाँ कंप्यूटर की मानी जाती है। फर्स्ट पीढ़ी की जो टाइमलाइन होती है वो है 1942 से लेकर 1956 तक। कहीं कहीं पर आपका इसका जो टाइमलाइन है वो आपको 1940 से भी मिल सकती है, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जिस प्रकार से राजस्थान की RSCIT RKCL द्वारा संचालित एक कोर्स होता है RSCIT, उसमें इसकी डेट दी गई 1942 से लेकर 1956 तक। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रथम पीढ़ी में क्या था और क्या खास था और क्या इसमें कमी थी, तो इसी के बारे में जानेंगे। और प्रथम पीढ़ी से रिलेटेड किस प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ टाइम इसका। प्रथम पीढ़ी का जो टाइम पीरियड था वो था 1942 से लेकर 1956 तक। पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें जो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक था वो था वैक्यूम ट्यूब। मतलब वैक्यूम ट्यूबों का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया था प्रथम कंप्यूटर को, और भंडारण के लिए चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल करते थे। यदि आप जानते हो तो अभी के जो लेटेस्ट कंप्यूटर होते हैं उसमें हम स्टोरेज के लिए हम हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं, उस टाइम में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था और भंडारण के लिए चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल किया गया था। इसका जो आकार था वो बहुत बड़ा था। सेकंड बात, ये सबसे महंगे भी थे, बहुत महंगे थे, क्योंकि बहुत सारी वैक्यूम ट्यूबों का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब एक कांच का यंत्र होता था, इसलिए ये गर्मी का भी उत्सर्जन बहुत ज़्यादा करता था, जिसकी वजह से इसको ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर की आवश्यकता होती थी। तो मतलब इसको रखरखाव करना बहुत कठिन था। लेकिन ये फर्स्ट पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, लगभग फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर इस प्रकार का था, और इसको ऑपरेट करने के लिए क्या मशीन भाषा का इस्तेमाल करता था। मतलब मशीन भाषा, प्रोग्रामिंग भाषा, मतलब मशीन भाषा कह सकते हो आप, प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया जाता था। और इसमें जो अभी लेटेस्ट में हम इनपुट के लिए यूज़ में लेते हैं कीबोर्ड एंड माउस को, है ना, इनपुट डिवाइस अभी हम कीबोर्ड से जो भी टाइप करते हैं कीबोर्ड से करते हैं। और उस टाइम में क्या इस पीढ़ी में इनपुट के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था, और पंच कार्ड और कागज टेप द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था। और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम ये भी थी कि ये एक बार में एक ही समस्या को हल करने में सक्षम थे। तो दोस्तों पहली पीढ़ी से ये सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल, इसका टाइमिंग पीरियड था 1942 से लेकर 1956, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक घटक था वो था वैक्यूम ट्यूब, और भंडारण के लिए चुंबकीय ड्रम का उपयोग किया गया, और इनपुट डिवाइस के रूप में इसमें आपको पंच कार्ड और कागज टेप, आप लिख सकते हैं कि यदि पहली पीढ़ी में इनपुट डिवाइस कौन से थे, पंच कार्ड और कागज टेप। और ये सबसे बड़ा, इसका जो सबसे बड़ी कमी यही थी कि एक बार में एक ही समस्या हल करने में सक्षम थे, आकार में बहुत बड़े थे और महंगे भी बहुत होते थे, और इसको ऑपरेट करने के लिए मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे दूसरी पीढ़ी में क्या खास हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।